Hello guys, I'm Pratik. I'm Pavan. Today we'll talk about dealing with clients. Basically, it starts with a wedding inquiry call. सबसे पहले क्लाइंट आपको फोन करता है, वो किसी के भी थ्रू हो सकता है, शायद उन्होंने आपका काम कहीं पे देखा हो या उन्होंने आपकी प्रोफाइल विजिट किया हो, जैसे जनरली आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पे काफी अपडेट है, तो सबसे पहले वो हमें फोन करते हैं और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्लाइंट के इवेंट को समझना। इसका एक बहुत बेसिक तरीका है कि आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आपका वेन्यू कौन सा है। वेन्यू से शायद आपको बहुत ज़्यादा जजमेंट लग जाता है। कुछ एक एक्सेप्शन इसमें है, जैसे किसी की इच्छा है कि उनको अपार्टमेंट वेडिंग करनी है, उस केस में अगर अपार्टमेंट में बहुत अच्छा डेकोर है तो बहुत अच्छी वेडिंग शूट हो सकती है। सेकेंड चीज़ जो इसमें आती है वो है यू शुड बी गुड लिसनर, जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्लाइंट किसी भी क्लाइंट की वेडिंग करने वाले हो, क्योंकि आप दोनों को एक सिंक में होना चाहिए। अगर आप दोनों एक सिंक में नहीं हो तो ऐसा हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं आप उसकी वेडिंग को बहुत अच्छे से शूट ना कर पाओ। बेसिकली आपको एक कम्युनिकेशन बिल्ड करना है क्लाइंट के साथ। अगर वो कॉल पे उसने अप्रोच किया है, फेस टू फेस अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट अगर कॉल पे आप बात कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बट अगर आपको ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फेस टू फेस मीटिंग्स ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर क्लाइंट कन्वर्जन के सेंस में हम देखें, क्योंकि उस केस में आप बता सकते हो कि इस वेडिंग को लेकर आपकी अप्रोच कैसी थी। जैसे अगर सोशल मीडिया पे कोई भी आपका डेटा दिख रहा है तो बहुत सारी वेडिंग्स का डेटा दिख रहा है, पर उससे क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर आप किसी भी क्लाइंट को अपना काम दिखाना चाहते हो तो आपको उसको एक वेडिंग का वर्क दिखाना चाहिए, जिसमें उसकी कैंडिड फोटोग्राफी होगी, उसकी वेडिंग फिल्म होगी, उसका ट्रेडिशनल फोटो होगा, ट्रेडिशनल वीडियो होगा। उससे क्लाइंट के लिए समझने में ईजी होता है कि ये इस वेडिंग को कैसे करेंगे, क्योंकि एक वेडिंग में 4 से 5 कोई भी अच्छी फोटो निकाल सकता है, पर एक पूरी वेडिंग को अच्छे तरीके से कवर करना आपको प्रोफेशनल बनाता है, तो वो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो वेडिंग फोटोग्राफी बजट काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है और ट्रिकी भी, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट का कन्वर्ट होना ना होना ये आपके कोटेशन पे डिपेंड करता है। अगर उसको आपका काम पसंद आ भी रहा है, सारी चीज़ें ठीक लग रही है, बट स्टिल आपका कोटेशन उसके बजट में फिट इन नहीं हो रहा है तो वो क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होगा। इसके बाद कोटेशन फॉर्म करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल सा होता है। आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ चुके होते हो, उस बेसिस पे आप कॉस्टिंग आपकी कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे इतने लोगों की टीम लगनी है, ये डिलीवरेबल्स देने हैं, तो वो कॉस्टिंग कैलकुलेट करके आप जितना भी आपकी पॉलिसी है, जितना भी आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हो वो आप ऐड करके क्लाइंट को कोटेशन दे सकते हो। एक और चीज़ जो शायद इसमें सबसे ज़्यादा वेरी करती है वो है कि आप क्लाइंट से डील कैसे कर रहे हो, एज ए कंपनी डील कर रहे हो या एज ए फ्रीलांसर डील कर रहे हो। अगर आप एज ए फ्रीलांसर डील कर रहे हो तो मोस्टली केसेस में आपका बजट शायद थोड़ा सा कम होता है, पर कंपनी के साथ डील करने में एडवांटेज होता है कि कंपनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है अपने वर्क को लेकर, क्योंकि बेसिकली उन्हें ये एक क्लाइंट के लिए नहीं करना है, उन्हें बहुत सारे क्लाइंट के लिए करना है, तो उनके पास एक स्टाफ होता है जिससे वो आपको डिलीवरेबल्स टाइम पे दे पाते हैं। जनरली हमारे इंडियन वेडिंग्स में अगर हम देखें तो फ्रीलांसर्स के केस में मोस्टली लोगों को यही दिक्कत होता है कि हमें अपना वेडिंग एल्बम टाइम पे नहीं मिला, हमें अपना ट्रेडिशनल वीडियो टाइम पे नहीं मिला, तो क्लाइंट का क्रेज खत्म हो जाता है। कंपनी के साथ डील करने में ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है। बेसिकली एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे काम होता है, जिसके बेसिस पे क्लाइंट का ट्रस्ट भी ज़्यादा होता है। कंपैरेटिवली एक फ्रीलांसर की हम लोग बात करें तो एक कंपनी पे क्लाइंट ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और फिर हम इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यार काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकता है वेडिंग फोटोग्राफी बजट। सो वेडिंग फोटोग्राफी इज़ अ आर्ट बेस्ड फील्ड, सो हर आर्टिस्ट की अपनी वैल्यू और वर्थ अपनी खुद की होती है, वो किसी अमाउंट पे या किसी पैरामीटर्स पे डिसाइड नहीं हो सकती। सो अगेन, आप अपनी वर्थ और वैल्यू क्या समझते हैं आप ही डिसाइड करें। सो एक बेसिक इशू जो हम लोगों के एक्सपीरियंस में रहा है, ऐसा होता है वेडिंग के पहले क्लाइंट्स के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपनी चीज़ों को लेके, मुझे ये पिक्चर चाहिए, इस तरीके की फिल्म चाहिए, ऐसा है मेरा टेस्ट। सो काफ़ी सारी रेफरेंसेस, काफ़ी सारी चीज़ें हमको बताई जाती है, बट वेडिंग जो उन 2 दिनों की हम लोग बात करें, ऑन वेडिंग ऐसा होता है कि वो लोग रिचुअल्स में और उस रश में, उस हॉचपॉच में इतना फंस जाते हैं कि यार हमें टाइम नहीं दे पाते, जो कि मुझे लगता है कि 15-20 मिनट्स एक फ़ोटो सेशन के लिए देना या कुछ फुटेजेस के लिए देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है जहां आप सारी चीज़ें कर रहे होते हो। सो वहां एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली चीज़ आ जाती है कि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी सारी थी बट एक्चुअल में वो लोग टाइम नहीं दे पाए और फिर अगेन वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, सो वो एक इशू होता है आफ्टर द वेडिंग। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बार हम एक वेडिंग में थे,
बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत ग्रैंड सेटअप था, ब्राइड और ग्रूम भी बहुत रेडी थे फोटोज वगैरह क्लिक कराने के लिए। और जब वो रेडी हुए तो नीचे से फैमिली वालों के बार बार में कॉल आ रहे थे कि नीचे रिलेटिव आ गए हैं या बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तुम लोग कब आओगे। हमने बोला फोटोज का, उन्होंने मना किया जैसा हमेशा हर वेडिंग में होता है इंडियन वेडिंग्स की, अगर हम लोग बात करें टाइम नहीं है। वो लोग नीचे गए, नीचे जाके लोग 20 से 25 मिनट खड़े रहे, वो लोग वेट कर रहे हैं कि पायरो जलने हैं यहाँ पर इसका अरेंजमेंट होना है, पर वहाँ पर उन लोगों के फोटोज़ नहीं हो पाए। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद लाइफ में अगर कभी भी वो अपनी वेडिंग के फोटोग्राफ्स देखेंगे या जिन दूसरे लोगों की फोटोज़ देखेंगे तो उनको देख के शायद हमेशा ये चीज़ फील होगी। इसीलिए हम लोग अपने कोटेशन में भी अलग से मेंशन करते हैं कि हमें फोटोज़ के लिए टाइम चाहिए, ब्राइड और ग्रूम के पोर्ट्रेट पिक्चर्स के लिए बहुत अलग से। एक और सबसे बड़ी चीज़ जो शायद मुझे सबसे ज़्यादा खटकती है आज के समय पर वेडिंग्स में, वो है फ़ोन फोटोग्राफी। शायद हमारे हजारों अच्छे मोमेंट उस वजह से स्पॉइल हो जाते हैं। और यू नो, आपको एक आदमी फ़ोन के साथ करता क्या है, उसने फ़ोन में फ़ोटो लिया, वो चार पांच व्हाट्सएप ग्रुप में इधर से उधर फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद वो एक महीने उन फोन को फोटोज़ को फ़ोन में रखेंगे और फिर डिलीट कर देंगे। और उसी बीच में अगर आप देखेंगे, अगर आप हमारी वेडिंग के बहुत सारे पिक्चर्स में देखेंगे तो आपको हजारों फोटोज में से दिखेगा कि वो आदमी आ रहा है उसका क्लोज फोटो भी, फिर भी वो वहाँ पे सेल्फी ले रहा है। अच्छे फोटोज स्पॉइल हो। और ये सारा जो ठीकरा होता है ये फूटता है फोटोग्राफर के सर पे कि आपकी वजह से टाइम लग रहा है, आपकी वजह से टाइम लग रहा है। मतलब एक रिसेप्शन के फोटो को जनरली अगर क्लिक किया जाए तो 30 से 35 सेकंड में, पर अगर आप देखेंगे तो हर आदमी रिसेप्शन में जाके अलग से उसकी सेल्फी लेता है, जबकि हम लोग दूसरे दिन फोटो सबको डिलीवर कर देते हैं। पर ये शायद लोगों को सबसे ज़्यादा खटकता है अभी के टाइम पे भी। तो एक टिप है क्लाइंट्स के लिए कि प्लीज़ प्रोवाइड टाइम फॉर फोटोग्राफर्स, ये लाइफ टाइम मेमोरी है। आप लोग वैसे रेडी लाइफ में आगे कभी नहीं होने वाले हो, और मोबाइल फोटोग्राफर से भी रिक्वेस्ट है। हाँ, मतलब शायद प्लीज ब्राइड उसकी लाइफ में कभी भी इतना रेडी नहीं होंगी जितना वो अभी हो रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सारी चीज़ों के लिए वक्त दिया जा सकता है तो शायद फोटोग्राफी के लिए 15 से 20 मिनट तो निकाले जा ही सकते हैं, क्योंकि ये फोटोग्राफी ना ऐसी आर्ट है जो जिससे आप किसी भी मोमेंट को ना लाखों बार जी सकते हो, आप उसको कितनी भी बार देख सकते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को या आने वाली जनरेशन्स को ये पता होना चाहिए कि आपकी वेडिंग कैसे हुई थी, और इसको बताने का एक ही तरीका है फोटोग्राफी। अगर आप फोटोग्राफर्स को टाइम देंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो पाएगी। सेकेंड चीज़ जो मेरे को ऐसा लगती है, शायद डिलीवरेबल्स का बहुत ज़्यादा इशू आता है। अगर जैसे फोटोग्राफी में तो ईजी डिलीवरेबल्स हो जाते हैं, फोटोज़ चले जाते हैं, फोटोज़ एडिट हो जाते हैं, पर अगर हम वेडिंग फिल्म के केस में बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि क्लाइंट को ऐसा लगता है कि यार ये हमें वेडिंग फिल्म नहीं दे रहे, जबकि वेडिंग फिल्म बनाना अपने आप में काफ़ी ट्रिकी चीज़ है। लाइक बहुत अनप्लान्ड होती है, कोई सी भी वेडिंग आप प्लान नहीं कर सकते, आपको नहीं पता वहाँ पे लोग कैसे हंसेंगे, कैसे रोएंगे, कैसे उनके इमोशंस होंगे, वेडिंग कितनी ग्रैंड होगी, इस बात का आप एक बार अंदाजा लगा सकते हो, पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट उस वेडिंग में कैसा हुआ ये आप ऑन सेट ही आपको पता चलता है। हर वेडिंग का एक अलग मूड और अलग वाइब होता है, अलग इमोशंस होते हैं, और वेडिंग फिल्म एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो हर बार, मतलब एक फोटोग्राफर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक फोटोग्राफर भी चाहता है कि वो हर बार कुछ नया क्रिएट करे। बाकी आप देखें तो एक ट्रेडिशनल वर्क का एक एक पैटर्न है जो सालों से चलता आ रहा है, आज भी उसी पैटर्न पे चल रहा है, बट गैजेट्स इम्प्रूव हो गए हैं, सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई है, क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, बट पैटर्न वही है। कैंडिड फोटोग्राफी का भी कहीं ना कहीं एक पैटर्न सेट है और वो उसमें इमोशंस कैप्चर हो जाते हैं, बट वेडिंग फिल्म काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, तो उस केस में क्लाइंट को इशू आता है डिलीवरी टाइम का। यूजुअली फोटोग्राफर्स के साथ काफ़ी लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से, बट अगर कोई भी इसे देख रहा है या आपके घर में शादी होने वाली है तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, आप फोटोग्राफर को फोर्स मत करिए, अदरवाइज आपकी फिल्म जितनी अच्छी बनने वाली होगी वो नहीं बनेगी उस प्रेशर के कारण। और फिर हम लोग बात करें एक और फोटोग्राफर्स के लिए, ये टिप है, शायद एक इशू आता है क्लाइंट की तरफ से पेमेंट पॉलिसी का। कुछ लोग अपनी पॉलिसी या पेमेंट टर्म्स ऐसी रखते हैं कि यार हम 50% एडवांस लेते हैं, 60% एडवांस लेते हैं, जो कि सही है, हम लोग भी 50% एडवांस लेते हैं, क्योंकि आपके जो वेंडर्स हैं, आपके जो काम करने वाले आर्टिस्ट हैं, वो फ्रीलांसिंग करते हैं, वो डे वेज पे काम करते हैं, हमें उनका वेज, हमें उनका पेमेंट सेम डे देना होता है। सो आगे क्लाइंट के साथ कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपका पेमेंट अगर रुकता है, सो वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो लोग नहीं सफर करें। एज ए कंपनी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हो वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों को सेम डे पेमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो कई बार क्लाइंट का ये सवाल होता है, बोले इतना पेमेंट आप क्यों ले रहे हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मेरे दो तीन फ्रेंड हैं जिन्होंने जो भी इसी इंडस्ट्री में, उनके साथ ऐसा, थैंक गॉड हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ टचवुड, कि उन्होंने वेडिंग की और कुछ उनके पहचान वाले थे तो उन्होंने एडवांस नहीं लिया और बाद में क्लाइंट का डाइवोर्स हो गया। अब इस केस में वो ना क्लाइंट से पैसे मांगने के रहे
और बाकी का उनको दूसरे लोगों को पेमेंट पे करना पड़ गया। तो वही है कि हम लोगों ने तो कवर किया ही है ना। लाइक अगर हम बहुत एक बेसिक बात करें तो अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाके आप सबसे पहले वहाँ पे रसीदी कटाते हो, तो ये अगर रेस्टोरेंट में हो सकता है तो एक फोटोग्राफी फील्ड में क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर भी तो हम उनको कंप्लीट सर्विस दे ही रहे ना। एक स्टेटमेंट फ्रीलांसर्स ने काफ़ी सुना होगा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या एज ए कंपनी काम कर रहे हैं कि यार क्लाइंट से पेमेंट नहीं आया तो अभी मैं नहीं कर सकता। तो ये क्लाइंट की और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या क्लाइंट की नहीं भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आपको उन्हें पे करना है, उन्होंने आपके लिए काम किया है। सो एक जो भी एज अ कंपनी काम कर रहे हैं या एज अ फ्रीलांसर भी कर रहे हैं जो किसी और को हायर करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक सजेशन है कि प्लीज़ स्टिक टू द पेमेंट टर्म्स। आप इतना पेमेंट पहले ले लें क्लाइंट से कि आप एटलीस्ट उन लोगों को पे कर पाए। और शायद एक अच्छी टीम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं आप उनका ध्यान रखें और आप उनको पेमेंट टाइमली करें। हे दिस इज प्रतीक, दिस इज पवन। आई होप आप लोगों को हमको सुन के मजा आया होगा और आपको काफी सारी चीजें जानने को मिली होगी। फॉलो करने को बोलो, फॉलो कर लेना यार हमारा पेज लेंसर फोटोग्राफी एंड फिल्म्स। यहां पे पसंद आए तो फॉलो करना, पोस्ट में या लिख देना, लिखते हैं।